अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर ईयर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने लेक्चर को सुनते हुए आपने टेक्स्ट बुक अपने पास खोल कर रख लेनी है और स्टेटमेंट पढ़नी है, और उसके बाद आपने वीडियोस देखनी है। आपने साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और साथ साथ ये वीडियो देखते जाएं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में जो गिवन डाटा है, दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी। उन दोनों पॉइंट्स के ऑर्डर पेयर गिवन है। उन ऑर्डर पेयर से मैंने डाटा में इनके पोजीशन वेक्टर बना लिए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, क्योंकि उसके ऑर्डर पेयर में -2 और -3 गिवन है। एक्स कोऑर्डिनेट -2 है और वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन गया -2i -3j। और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 और 9 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? 3i+9j। और क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी आपने ए बी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए के। तो पहले ओ बी की वैल्यू पुट कर दी। ओ बी किसके इक्वल है? 3i+9j। और फिर ओ ए की वैल्यू पुट की, क्योंकि ओ ए नेगेटिव है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2i+2i हो जाएगा और -3j+3j हो जाएगा। 3+2 5 हो गया और 9+3 12 हो गया। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो इस गिवन वेक्टर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है और अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है, उनके कॉफिशियंट के स्क्वेयर का सम। तो एक्स यानी आई, यूनिट वेक्टर आई का कॉफिशियंट है 5 और यूनिट वेक्टर वाई का कॉफिशियंट है j। तो 5² + 12² और इनका स्केयर रूट। 5² 25 है, 12² 144 है, इनको ऐड किया 169, 169 का स्केयर रूट 13 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स होगा। यूनिट मतलब कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी। अगर आप ऐसा ही यूनिट कंसीडर करना चाहते हैं तो मीटर होता है, चूंकि यूनिट मेंशन नहीं है तो इसलिए मीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखा गया, 13 यूनिट्स लिख दिया। न्यूमेरिकल नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से होना है, वो आपने खुद करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। जो डाटा गिवन है उसमें सिंपली एक वेक्टर ए गिवन है, और वो वेक्टर ए है 4i+3j। अब इस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि वेक्टर ए किसके इक्वल होता है? स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड एक उसका वेक्टर ए इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ए। अब यूनिट वेक्टर ए का क्या मतलब है? यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चाहिए। अब इसी से यूनिट वेक्टर ए अगर आपने फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए तो ऑलरेडी गिवन है, हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। आई के कॉफिशियंट का स्क्वेयर ले लेना है, जे के कॉफिशियंट का भी स्क्वेयर ले लेना है, 4² + 3² इनके स्क्वेयर के सम का स्क्वेयर रूट ले लेना है। तो 4² 16, 3² 9 इनके स्क्वेयर का स्क्वेयर फाइंड कर लिए, फिर इनका सम फाइंड किया, 16+9 25 हो गया, और आखिर में इसका स्क्वेयर रूट फाइंड किया तो 5 आ गया। तो यूनिट वेक्टर ए किसके इक्वल आ जाएगा? 4i+3j/5, 4/5 i+3/5j। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। इसके डेटा में दो वेक्टर्स r1 और r2 गिवन है, और r1 इक्वल है 3i+7j और r2 इक्वल है -2i+3j। तो फाइंड करने के लिए कहा गया है, दो चीजें फाइंड करने के लिए कहा गया है। एक तो कहा गया है कि R2 - R1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और दूसरा उसकी ओरिएंटेशन या डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी प्लेन में वो कहाँ पर लाई करता है ये बताना है आपने।
तो उसके लिए मैंने लेट कर लिया आर टू माइनस आर वन को, मैंने लेट कर लिया किसके इक्वल, आर के इक्वल, सिंपली आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए। लेकिन अगर आप उसको वैसे भी रहने दें तो कोई मुदायका नहीं है। तो चूंकि जैसे अभी मैंने बताया कि क्या करना है आपने, आर टू माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मतलब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड करना है, और दूसरा ओरिएंटेशन यानी थीटा आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने आर फाइंड करना है, विच इज़ हमने ज्यूम किया हुआ आर टू माइनस आर वन के इक्वल है। पहले आर टू वैक्टर लिखा, उसके बाद साइन चेंज करके आर वन लिखा। साइन चेंज क्यों किए, क्योंकि आर वन के साथ नेगेटिव साइन है। अब रिजल्टेंट वैक्टर आर किसके इक्वल आ गया, माइनस फाइव वाई माइनस फोर जे के। अब चूंकि आपने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो जैसे पिछले दो तीन न्यूमेरिकल्स में बात हो चुकी है, माइनस फाइव का स्क्वेयर और माइनस फोर का स्क्वेयर, 25 प्लस 16, फिर इनका सम फाइंड किया 41, 41 का स्क्वेयर रूट आ गया 6.4। तो इस न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा पूरा हो गया, यानी हमने आर टू माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, तो थीटा किसके इक्वल है, टैन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट क्या है, वेक्टर आर का माइनस फोर, ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर की ओरिएंटेशन फाइंड करनी है ना, तो इसका वाई कंपोनेंट है माइनस फोर, एक्स कंपोनेंट है माइनस फाइव। तो थीटा किसके इक्वल होता है, टैन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, तो माइनस फोर ओवर माइनस फाइव। अब देखिए y कंपोनेंट भी नेगेटिव है और x कंपोनेंट भी नेगेटिव है, ये आपको मैट्रिक में मैथमेटिक्स का जो आपने चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री उसमें याद होगा कि अगर दोनों कंपोनेंट्स क्या हो, नेगेटिव, यानी x कंपोनेंट भी नेगेटिव हो और y कंपोनेंट भी नेगेटिव हो कार्टेशियन प्लेन में, तो वो वेक्टर कहां पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है ओरिएंटेशन इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 ऐड कर देते हैं उसमें। तो इस थीटा में मैंने 180 ऐड कर दिया, प्लस 10 वर्स माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 को 5 से डिवाइड किया तो 0.8 आ गया। 10 वर्स कैलकुलेटर से 0.8 फाइंड किया, वो 38.65 समथिंग है, जिसको राउंड करके आप 39 भी लिख सकते हैं। तो 180 में 39 ऐड किया तो थीटा इक्वल आ गया 219 डिग्रीज के। बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे।